हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. माई सेल्फ अर्चना फ्रॉम MLZS रोहतक. यस बेटे, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम NCERT बुक ऑफ ग्रेड 4th. द चैप्टर नेम इज एलाइस इन वंडरलैंड. ओके, ये ना एलाइस इन वंडरलैंड आप सभी ने सुनी होगी, एक स्टोरी है और उसमें से ना ये जो चैप्टर लिया गया है ये उस स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट लिया गया है. एक मतलब एक उसका एक पार्ट लेकर उसको डिस्क्राइब किया गया है कि इस स्टोरी के अंदर क्या हैपनिंग होती है. क्लियर टू ऑल? यस बेटा, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वन डे एलाइस वाज लेइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी. एक दिन की बात है, एलाइस लेइंग अंडर अ ट्री, एक ट्री के नीचे बैठी थी, लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी, और अपनी सिस्टर को स्टोरी रीड करते हुए सुन रही थी. सडनली शी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय. सडनली मीन्स अचानक शी सॉ, वो देखती है एक वाइट कलर का रैबिट स्कैम्पर. स्कैम्पर मीन्स होता है रन क्विकली, कि बड़ी ही तेजी से वहाँ से गुजरता है. ही हैड पिंक आईज, उसकी आंखें पिंक थी, एंड वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट, और उसने एक ब्लू कलर का कोट डाला हुआ था. लुक एट दैट, देखो ये ब्लू कलर का उसने कोट डाल रखा था और उसकी आईज कैसे कलर की थी, पिंक कलर की थी. ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्टकोट पॉकेट एंड एज ही हरीड अवे. ही टुक आउट अ, वो निकालता है, टुक आउट मीन्स निकालता है, अ बिग वॉच. ये देखो ये एक बिग वॉच है ना, वो अपने वेस्ट कोट होता है ना जो इसने अंदर डाल रखा है रेड कलर का, इसको वेस्ट कोट बोला जाता है. इसके अंदर से उस वॉच को निकालता है और उसकी तरफ देखता है, एंड हरीड अवे, और वहाँ से जल्दी से निकल जाता है. ही सेड, वो कहता है, ओ डियर आई विल बी टू लेट. वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ. शी थॉट, शी मीन्स एलाइस, एलाइस सोचती है, देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट. यहाँ पर कुछ डिफरेंट है, मीन्स अलग ही बात है इस रैबिट में, कि ये किस तरह का लुक दिख रहा है. ओके, इट कुड टॉक, ये बात कर सकता है. इट वॉर अ रेड वेस्ट कॉट, और उसने एक रेड कलर का ये जो अंदर एक वेस्ट कॉट डाल रखा है. एंड इट कैरीड अ वॉच, और उसके पास एक वॉच भी है. एलाइस वंडर्ड, एलाइस को बड़ा ही आश्चर्य होता है. शी सरप्राइज, बड़ी सरप्राइज होती है. अ टॉकिंग रैबिट, एक बोलने वाला रैबिट. अ रैबिट हु वेयर्स अ वेस्ट कॉट, एक ऐसा रैबिट जिसने वेस्ट कॉट भी डाल रखी है. एलाइस वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट. एलाइस वॉज बर्निंग, बर्निंग यहाँ पे जलने के लिए यूज़ नहीं हुआ. एलाइस वॉज बर्निंग मतलब कि वो बड़ी ही उत्सुक थी, विद वेरी क्यूरियोसिटी, उसके अंदर इतनी हैप्पीनेस थी, इतनी क्यूरियोसिटी मीन्स उत्सुकता थी, कि वो जानना चाहती थी कि ये कैसा रैबिट है, वेयर इट कम फ्रॉम, ये कहाँ से आया है. शी फॉलोड द वाइट रैबिट, और वो वाइट रैबिट का पीछा करना स्टार्ट कर देती है. क्लियर टू ऑल? लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज. द रैबिट स्टार्टेड रनिंग, रैबिट रनिंग भागता हुआ जा रहा था. एंड एलाइस फॉलो द रैबिट, और एलाइस उसका पीछे पीछे पीछा कर रही थी. द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल. द रैबिट सडनली, रैबिट अचानक से, पॉप मीन्स होता है बड़ी स्पीडली से, डाउन अ लार्ज रैबिट होल, एक बिग लार्ज रैबिट होल था उसके अंदर चला जाता है. एलाइस जंप इन टू द रैबिट होल टू, एलाइस भी उस रैबिट होल के अंदर ही जंप कर देती है. द रैबिट वेंट डाउन, रैबिट नीचे जा रहा है, एंड डाउन और नीचे, एंड डाउन इन टू द रैबिट होल. रैबिट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है. एलाइस सेड अलाउड, एलाइस जोर से चिल्लाती है, वेयर एम आई, मैं कहाँ पर हूँ. हाउ मैनी माइल्स डाउन आई हैव फॉलन, मैं कितनी नीचे आकर गिर गई हूँ. फॉलन मीन्स गिरना, कि मैं कितनी नीचे आके गिर चुकी हूँ. आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ. मुझे लग रहा है कि मैं इतनी नीचे आ गई हूँ कि जो अर्थ होती है उसके सेंटर पे पहुँच गई. मीन्स शी इज़ थिंकिंग, वो फील कर रही है, क्योंकि वो बहुत ही नीचे जाके गिरती है, कि कहीं मैं जो अर्थ है उसके सेंटर में तो नहीं आ गई हूँ. शी वंडर्ड, उस वंडर्ड होती है, उसको बड़ा ही आश्चर्य होता है. विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, कहीं मैं जो अर्थ है उसके दूसरी तरफ तो नहीं पहुँच गई हूँ स्लिप होकर. थम थम मीन्स जोर से गिरने की आवाज़ आती है. एलाइस लैंडेड इन अ पाइल ऑफ द ड्राई लीव्स. एलाइस ही लैंडेड मीन्स जाकर गिरती है, अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स,
पाइल मीन्स होता है ढेर होता है, जो लीव्स वहाँ पे उस हॉल में ना लीव्स गिरी हुई थी, पत्तियाँ गिरी हुई थी, और वो जो पत्तियों का ढेर होता है उसको पाइल बोला जाता है, वो उस पर जाकर गिरती है। शी लुक्ड अराउंड क्विकली, वो चारों तरफ देखती है, क्विकली एंड सडनली सा द वाइट रैबिट अगेन, वो चारों तरफ देखती है और तभी उसकी नज़र उस रैबिट के ऊपर जाती है। सडनली सा द वाइट रैबिट, और उसको वाइट रैबिट दिखाई देता है। इट डिसअपीयर्ड सेम, डिसअपीयर मीन्स गायब होना, अपीयर मीन्स दिखाई देना, और डिसअपीयर मीन्स गायब होना। इट डिसअपीयर सेम, वो कहती है कि वो तो गायब होगा। ओ माई आईज एंड रिस्कर्स हाउ लेट इट द गेटिंग, इट डिसअपीयर सेइंग, वो वहाँ से गायब होता हुआ, एकदम गायब होता और कहता ओ माई ईयर्स, मेरे कान। और जो रिस्कर्स होती है ना, जो उसकी जो रैबिट होता है, जो उसकी मूछें होती है, उनको बोला जाता, उनको छेड़ते हुए वो कहता हाउ लेट इट्स गेटिंग, मैं कितना लेट हो रहा हूँ। अलाइज स्टूड अप, अलाइज खड़ी हो जाती है एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 inches हाइट, और अलाइज उठकर थोड़ा सा ऊपर देखती है तो उसको एक स्मॉल 15 inches हाइट का एक डोर दिखाई देता है। बेटा आप जानते हैं 50 इंचेस हाइट कितनी हो सकती है, जो आपका एक स्केल होता है ना, इट इज़ इक्वल टू दैट, वो आपके स्केल के बराबर की जो हाइट का एक डोर दिखाई देता है। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रो, वो अलाइज के लिए बहुत ही छोटा था। शी कांट गो इनसाइड, वो उसके अंदर नहीं जा सकती थी। शी सा आ ग्लास टेबल विद द गोल्डन, शी सा आ ग्लास टेबल, वो वहाँ पर एक कांच की टेबल दिखती है विद द गोल्डन गोल्डन की ऑन इट, उसके ऊपर गोल्डन कलर की रखी हुई थी। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक, और वो जो डोर था उस पर एक लॉक लगा हुआ था। शी ट्राइड, वो उसके पास उसको ट्राई करती है, उसके अंदर लगा के देखती है। टू हर डिलाइट इट फिटेड, और ये उसका गुड लक होता है कि वो उसके अंदर फिट हो जाते हैं। एंड देन द डोर ओपन्ड, और दरवाजा खुल जाता है। अलाइज ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन, अलाइज डोर को ओपन करती है, खोलती है द एंड लुक्ड, और देखती है इनटू द लवलीस्ट गोल्ड गार्डन, और वो देखती है कि उसके डोर के अंदर अपना हल्का सा वो झांक के देखती है, वहाँ पर एक लवलीस्ट, इट इज़ अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लवली, कि कितना सुंदर गार्डन है। शी हैड एवर सीन, कि मैंने ऐसा गार्डन कभी नहीं देखा। How she longed to be among these beds of bright flowers and those cool fountain. How she longed. वो सोचती है कि हाँ काश मैं इसके अंदर जा सकती, और ये जो ब्राइट कलर के फ्लावर्स हैं चारों तरफ आपको दिखाई दे रहे ना, कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। एंड द कूल फाउंटेन, और वहाँ पर एक पानी का फवारा भी चल रहा था। बट शी कुड नॉट एवर गेट हर हेड थ्रू द डोर अवे, लेकिन वो अपना सिर उस डोर के अंदर नहीं डाल सकती, बिकॉज इट इज़ जस्ट ओनली 15 inches, वो सिर्फ 15 inch का है। एंड शी कांट गो इनसाइड, ना वो अंदर जा सकती है। ओ हाउ आई विश, ओ एक्सक्लेमेशन, काश मैं जा सकती, आई हाउ आई विश, मेरी इच्छा है आई कुड बिकम स्मॉलर, कि मैं छोटी बन जाऊँ और इसके अंदर जा सकूँ। शी एक्सक्लेम्ड लाउडली, वो इस चीज़ के लिए एक्सक्लेम मीन्स आश्चर्य करती है, सोचती है कि काश मैं इसके अंदर जा सकती। क्लियर टू ऑल बेटा, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, रीड दिस स्टोरी। क्लियर टू ऑल, इट इज़ चैप्टर नंबर 4, अलाइज इन वंडरलैंड। रीड द स्टोरी एंड फाइंड द डी वर्ड्स एंड अंडरलाइन देम एंड मेक द इंडेक्स ऑफ चैप्टर नंबर 4 इन योर फेयर नोटबुक। क्लियर टू ऑल बेटा, thank you and have a nice day.